जय श्री राधे, जय श्री श्याम। जनमत की पुकार न्यूज चैनल में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। रोजाना की तरह दैनिक जन्म राशि फल। सबसे पहले राशि है मेष। मेष राशि, मेष लगन वाले व्यक्ति, आज आपके लिए व्यापार क्षेत्र से एवं कानूनी क्षेत्र से सफलता हाथ लगेगी, स्वास्थ्य श्रेष्ठ रहेगा। दूसरी राशि है वृक। वृक राशि वाले व्यक्ति, भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति, स्थानांतरण के योग संयोग बन सकते हैं। तीसरी राशि है मिथुन। मिथुन राशि वाले व्यक्ति, आज आप कोई भी कार्य में हाथ डालते हो आपका काम सिद्ध संपन्न होगा। चौथी राशि है कर्क। कर्क राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। कृषि आदि एवं जमीनी भूमि से संबंधित क्रय विक्रय में सफलता हाथ लगेगी। पांचवी राशि सिंह। सिंह राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, मांगलिक शुभ सूचनाएँ भी प्राप्त होंगी। छठवीं राशि है कन्या। कन्या राशि वाले व्यक्ति, धर्म के प्रति आपका रुझान हो सकता है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। अजनबी लोगों के भेंट के माध्यम से कोई नया धंधा व्यापार स्थापित कर सकते हो। सातवीं राशि तुला। तुला राशि वाले व्यक्ति, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, व्यापार भी आपका आज बहुत श्रेष्ठ रहने वाला है, अटका हुआ काम सिद्ध संपन्न होगा, प्रेम प्रसंग में भी सफलता प्राप्त होगी। आठवीं राशि वृश्चिक। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति, आज आप कोई भी कार्य करते हो तो श्रेष्ठ और उत्तम रहने वाला है। नवम राशि धनु। धनु राशि वाले व्यक्ति, आपको चाहिए भगवान श्री हरि की, नारायण की उपासना करना, श्रेष्ठ उत्तम कार्य रहेगा। जब भी आप घर से बाहर निकलें, गाय के लिए केला अथवा एक रोटी खिलाकर ही निकलें। दसम राशि मकर। मकर राशि वाले व्यक्ति, आज आपके लिए कोई भी जमीनी संबंधित अथवा वाहन से संबंधित व्यापार करते हैं, श्रेष्ठ उत्तम रहेगा, व्यापार आपका आज विशेष ऊंचाई छू सकता है, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ग्यारहवीं राशि कुंभ। कुंभ राशि वाले व्यक्ति, मानसिक तनाव, बेचैनी, अनायास किसी बात को लेकर के बढ़ सकती है। बारहवीं राशि है मीन। मीन राशि वाले व्यक्ति, भाग्य का उदय, नए पद की प्राप्ति एवं स्थानांतरण के योग संयोग बन सकते हैं। भाई बंधु घर परिवार वालों का पूर्णतः आपके लिए सहयोग प्राप्त होगा, स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ विंध्यवासिनी। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।